हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस यार, एक सीन हो गया है। मतलब यार, एक बंदा है जो कि मुझे टॉर्चर कर रहा है यार, काफ़ी दिनों से। मतलब यार, मेरी यूट्यूब एंड इंस्टा की वीडियो वो कॉपी कर रहा है, एंड अपने मतलब उसका एक फेसबुक पेज है तो वो उस पर अपलोड कर दे रहा है। और पता नहीं यार, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दे रहा है, उल्टा सीधा कि मैं ये बंदा स्टंट करता है और गलत है ये सब। और पता नहीं यार क्या क्या लिख दे रहा है ब्रो। अरे, उसने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद हमने मतलब उससे जाके बात की, उसे बोला कि उसने मना नहीं किया कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, बट उस बंदे ने यार फिर से एक और वीडियो अपलोड कर दी मेरे यूट्यूब से। उसने कॉपी करी, मतलब उसने दूसरे फ़ोन में वीडियो चलाई थी और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके अपने पेज पर डाल दिया। और मतलब कहा यार, बड़ा कुछ लिख दिया उस बंदे ने यार। तो क्या बोल सकते हैं उसको, मेरे से क्या दुश्मनी उसको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बंदा धर्मशाला से है, उसकी हार्डवेयर की शॉप है धर्मशाला से थोड़ी सी ऊपर। और वो बंदा ऐसे बेफालतू में मुझे टॉर्चर कर रहा है और मेरी वीडियोस वगैरह ऐसे ही मतलब यार ऐसे ही डाल दे रहा है फेसबुक में। तो भाई, तू मेरे को ही क्यों टारगेट कर रहा है? दुनिया में कितने बंदे स्टंट करते हैं, और क्यों वीडियो डालना? मेरी वीडियो क्यों दिख रही तेरे को? मतलब वो बंदा सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहा है, अकेले मेरे को, और मेरे को मेरी वीडियो डाल के मेरे को ही सुना रहा है वो बंदा। तो मुझे नहीं पता कि उस बंदे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा यार ब्रो, मुझे नहीं पता। तो बाकी उसको हम समझाने गए हुए थे 5-6 लोग यार, और मैंने उसको हमने बोला सर आप ऐसे वीडियो कॉपी करके नहीं डाल सकते, बट वो बंदा माना नहीं यार। बोला वो बंदा बोला डाल सकते हैं। उस बंदे ने मतलब बोला कि ये गलत नहीं है और मैं आप लोगों की वीडियो ऐसे कॉपी करके डाल सकता हूँ अपने फेसबुक पेज में। तो यार ब्रो, मुझे तो ये समझ नहीं आई उसकी बात। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा कि वो मतलब वीडियो डाल रहा है और उल्टा सीधा लिख रहा है मेरे बारे में। और बाकी उसको हमने समझाया प्यार से, तो उस बंदे ने बोला यार कि पोस्ट डिलीट नहीं होगी, बड़े रोब से बोला उसने। तो मैंने बोला छोड़ो यार, एक ही डाली है। तो अब हमने थोड़ा कुछ उसको समझा दिया तो रहने देते हैं, मान जाएगा बंदा। और देन उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा बहस की नहीं उसके साथ, हम लोग नॉर्मली बात ही कर रहे थे उससे प्यार से। उसकी दुकान में भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और किसी को मेरी बात झूठी लगे तो मतलब यार ब्रो कर सकते हैं चेक कोई भी। और बाकी यार, वो बंदा मेरे को मतलब ऐसे ही बेफालतू में टॉर्चर कर रहा है, पता नहीं क्या दुश्मनी है, मैंने क्या बिगाड़ा उसका, ये क्या मैंने उसका लेख आया क्या पता। बट कोई सीन नहीं, अब कर रहा है वो भी टॉर्चर मेरे को, तो करे ना, देख लेंगे। गांव से नीचे से बंदा यार, गांव से नीचे से, उसको क्या पड़ी है मेरी यार ब्रो। मैं जो मर्जी करूँ, मेरा टैलेंट है, मेरा मतलब मेरा पैशन है यार ब्रो, मैं कर रहा हूँ यार ब्रो, करने दे मेरे को, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? दिमाग ख़राब कर दिया उस बंदे ने। तेन उसके बाद हम लोग घर आ गए यार, उससे बहस करके मतलब बात वगैरह की, नहीं मानना वो बंदा जैसे तो उसने बनाई है। वो बोल रहा है कि मैं रिपोर्टर हूँ। ओ भाई, तू रिपोर्टर है तो तू आना उधर, तू आके बना मेरी वीडियो कि मैं कहाँ मतलब पब्लिक प्लेस में स्टंट कर रहा हूँ मैं, तो तू बताना मेरे को, तू आ, तू छुप के मेरी वीडियो बना, अपलोड कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ब्रो तेरे को। तू मेरी रील्स और मेरी यूट्यूब की वीडियो की रिकॉर्डिंग करके तू डाल रहा है, ये तो गलत नहीं है यार। सो गाइस यार, आप लोग समझ सकते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, वो बंदा क्या बोल रहा है और क्या है वो, मुझे उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कौन डालता है यार दुनिया में, इतने बंदे यार स्टंट वगैरह करते हैं, उनकी डाल अकेला मेरे को मतलब टारगेट कर रहा है बंदा, अकेला मेरे को, मैं ही दिख रहा हूँ उसे। और बाकी यार गाइज, मतलब हमने तो समझाया, हम घर चले गए थे। देन दिन के टाइम मेरे कज़न ब्रदर और सिस्टर गए हुए थे उसकी शॉप पे, एंड उधर क्या क्या हुआ उसकी उन्होंने वीडियो बनाई है। एंड गाइज, अभी मैं आप लोगों को वो वीडियो बताता हूँ। आ जाओ यहाँ पे, अंदर क्या आ रहे हो सर? एक मिनट, एक मिनट, मुझे ड्रामा क्रिएट नहीं करना। अच्छा चलो, ड्रामा मुझे ड्रामा क्रिएट नहीं करना, यहाँ अंदर आके बात करनी करो, नहीं तो फिर आप घर जाओ। बताइए दीपक सर, आप ही है ना? कहाँ से हो आप? मैं लोकल हूँ। लोकल भी है ना? ओके। अच्छा, आपने जो पोस्ट डाली है, मैंने तो मुझे तो अभी पता चला कि आपने पोस्ट डाली है। मेरा भाई है वो। आपका नाम? वीडियो बंद करो पहले। नहीं नहीं, वीडियो बंद नहीं, वीडियो चलती नहीं, है। मैं आपको एक बात करने है आपसे, कोई और नहीं है फिर भी आप मान नहीं रहे। अरे पुरानी की भी बात नहीं है, ठीक है, उसका ब्लॉग है, वो करता है ये सब, ठीक है। देखो ऐसा है, हमने पोस्ट क्यों डाली है, मैंने आज सुबह भी, आप भी आए थे सुबह? मैं नहीं आया था, आप सुनो, सुबह भी आपके कोई 6-7 लड़के यहाँ पे आए थे, ठीक है, उनको मैंने ये चीज समझाई थी कि पोस्ट कहीं की भी हो, कुछ भी हो, इसका मैसेज एक सोसाइटी में ये जाता है
कि कोई भी पेरेंट्स है चाहे कोई भी है उसको एक ये हो जाए कि कल को उनका बच्चा क्या कर रहा है बाहर, ठीक है, तो उनको किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जाता है कि उसके बच्चे कल को वो अपने बच्चों को ट्रेस कर पाए कि कहाँ क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है। तो जो स्टंट करना है, ठीक है, आप कर रहे हो, ठीक है, बड़ी अच्छी स्टंट करते हो, नहीं करते हो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सड़क में जहाँ कर रहे हैं, जहाँ ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, मुझे उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपका मतलब ये, आपका बोलने का मतलब ये है कि हम वो पोस्ट डिलीट कर दे, ठीक है, ये हमारा काम है, ठीक है, और हम मानते हैं, ठीक है, और आगे डालिए ना, सुनो सुनो, एक लेट मी कंप्लीट, ठीक है, बोलिए। दूसरी चीज ये कि अब हम ये नहीं देखें कि हाँ जी आप कोई प्रेशर बनाओगे कि हाँ जी इसको डिलीट करो ना, तो वो नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है, जो एक बार पब्लिकली जो जा चुकी है ना वो जा चुकी है, हेड ऑफिस से तो डिलीट हो जाएगा ना, कहाँ से जो आपका ये ऑफिस है इसका, न्यूज का मेरे पास ये है, सर एक बात मैं आपको बताऊं, आप ऐसे किसी की वीडियो नहीं डाल सकते, ठीक है, मेरी बात सुनो, आपने एक बार पेरेंट्स से पूछा या मेरा भाई है, अच्छे से मेरी बात सुनो, ठीक है, मैंने पहले भी कई वीडियोस डाले हुए जो, बट आप ऐसे किसी की वीडियो उठा के अगर आप आप एक काम करो, आपका जो राइट बनता है ना, अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो कुछ भी करना चाहते हो आप वहाँ जाके कंप्लेन करो, सुनो मेरी कंप्लेन मैडम, सुनो मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कि यहाँ दुकान पे आके फालतू की आर्गुमेंट मत करो, ठीक है, फालतू की आर्गुमेंट, अगर आपको लगता है कि गलत हूँ मैं ना, पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है, कानून बना हुआ है, हर किसी के लिए कानून बना है, आप वहाँ जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करके वो चीज कर सकते हो, ठीक है, मेरी तो एक बात ये है, घर से पेरेंट्स से अलाउ है, पूरी सेफ्टी से वो सब करता है, बहुत अच्छी बात है, देखो मेरी बात सुनो, घर से पेरेंट्स, सुनो ये मैसेज मत दो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आपको, अब ये मैसेज घर से पेरेंट्स से अलो है ना, वो घर के अंदर कमरे में वो स्टंट नहीं हो रहे, ठीक है, वो स्टंट कहाँ पे हो रहे, वो रोड पे हो रहे, और रोड पे हर कोई चलता है वहाँ पर, ठीक है, देखो जी सुनो मेरे, अगर आपने पोस्ट पढ़ी है, अगर आपने पोस्ट पढ़ी तो उसको ध्यान से दोबारा पढ़ लो, उसमें कहीं भी लिखा कि इसने किसी को हिट किया कि नहीं किया है, ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज उसमें लिखा, सुनो अगर आप इस वीडियो के, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार मैंने पढ़ा, आपने ये भी लिखा कि ये कम उम्र के लड़के, बिल्कुल जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो कम उम्र के, मैंने वो ये बोला, उसके बाद देखो सर कम उम्र की क्या मतलब, क्या होता है 20 साल 25 साल 30 साल, ये कम उम्र ही होती है, ठीक है जी, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ जी वो 50 साल का रोक नहीं बोलते, ठीक है, पर आपने लिखा उसके नीचे खनियारा के लड़के, वो एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, उससे वो हमारा, अभी देखो मैंने अभी न्यूज डाली है, आप न्यूज डालो, उनकी डालो कि हाँ वो उनकी क्यों, आप नहीं बताएंगे, सुनो मेरी बात सुनो, आप मेरा भाई ना ड्रिंक करता है, आप थोड़ी बताओगे मैम कि आप ये डालो वो डालो, हमें ये देखना है कि कहाँ पर क्या चीज है ना, ठीक है, अगर हमें वहाँ पे अगर कहीं पे वेरिफिकेशन की जरूरत है तो हम पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, आप इस वीडियो के थ्रू अगर लोगों को ये, तो मुझे बहुत मुझे देखो, ऐसा है मेरी बात सुनो, इस वीडियो के थ्रू आप नहीं कर, अगर आपको लोगों को जागरूक ही करना है, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ सही बताऊँ तो, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मैंने भी बहुत किए हैं, तो सबसे बड़ी बात अगर लोगों को जागरूक करना है तो इस वे से मत करो, ताकि जो जिनका लाइक अगर मेरे भाई ब्लॉग बनाता है उसका इंटरेस्ट है, उसको घर वालों से किसका क्या वे होता है ना, ठीक है, वो सभी को मालूम होता है कि किसका क्या वे है, किसी को मैसेज करना क्या वे होता है, ठीक है, सबका मालूम है सबको, ठीक है, हम कोई गलत वे से नहीं गए, इसमें कोई गलत वे है तो आप मुझे ये बताओ कि आपने गलत किया है, आप ये बताओ मेरे को, ठीक है, अभी मैं अगर मैं अभी बताऊं आपको, तो उसने अभी 19 घंटे पहले भी एक वीडियो डाला है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये नहीं डाल रहा है, तो मैंने ये थोड़ी लिखा भाई साहब, मैंने बोला कि आपको लगता है तो रोज जाके, मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि ये कल की वीडियो की एक महीने की वीडियो पहले की वीडियो, तो ये एक रिलेट करने का वो होता है कि हादसे हो जाते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी पर मैसेज आते हैं कि हादसे हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि
एक्चुअली आपने इस वीडियो को ही आपने पॉइंट कर दिया है इसमें, ये बोल के कि टी गार्डन में ये वो कर रहा है, ये बात आपने आप इस वीडियो को वो अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच है, कोई किसी चीज को कहां से रिलेट करता है, कोई किसी चीज को कहां से रिलेट करता है। एक्चुअली इस ऐसी राइडिंग करने के लिए कुणाल पत्थर में तो काफी लोग आते हैं, ये जो लाइन है ना लड़के काफी आते हैं वहां पे। ये जो लाइन है ना, एक बात बताऊं जो आपने बोला है कि बिना नंबर प्लेट, और ये जो लाइन आपने बोली ये इसका मतलब है टारगेट करना, जो कि हो मतलब मेरा भाई टारगेट हो रहा है। चलो न्यूज वालों का काम होता है टीआरपी एंड ऑल, मुझे पता है उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, हम भी हमें भी पता है ये सब कुछ, बट आप एक वीडियो को लेके मतलब उसको टारगेट करके अगर आप सब एक वीडियो ने, हम लोग दिन में एक ही वीडियो ने टारगेट करते हैं कि एक ही वीडियो डालना है हमें, जहां से सोर्स कमेंट पढ़ लेना, कितने कमेंट मैंने पढ़े हैं, मैं देख रहा हूं आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो भी आपके रिलेटेड जो भी है, आपकी वजह से जो टारगेट हुआ है अब उसकी जो फैन फॉलोइंग है, मैं सही बता रहा हूं वो ब्लॉगर है ठीक है, तो एक बात होती है कि अगर आप वो उसको एक चीज को लेकर टारगेट करोगे, ऐसा है मेरे रिक्वेस्ट आप लोगों से कि दुकान पे आके शोर शराबा मतलब मेरे कस्टमर भी अभी आते हैं ठीक है, तो आप बाहर का ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो, नहीं है कोई ड्रामा नहीं है ये ना, देखो आप जो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि तो वो नहीं होगी, वो मैंने आपको वैसे बता दिया नहीं होगी, कोई बात नहीं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगी क्योंकि आपने टारगेट कर दिया है। चलो ठीक, आपको जैसा लगता है, देखो जो आपके राइट्स है आप अपने राइट्स के हिसाब से आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, और आप अब बोल रहे कि और वीडियो डाल के मैं उसको बोला हरासमेंट करने की कोशिश, किसने बोला हरासमेंट करने की कोशिश करना, फोन से बोला आपने किसको हरासमेंट करने की कोशिश, मेरी बात सुनो उस बंदे ने क्या बोला, उस बंदे ने कमेंट में लिखा कि इस बंदे को अभी रात की चढ़ी उतरी नहीं है, इसने उस बंदे ने ऐसे से कमेंट किए, मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने बोला भाई साहब देखो जो तो आप कमेंट कर रहे हो ना ये बात ठीक नहीं है, मेरी बात सुन लो भाई साहब ठीक है ना, बिल्कुल प्यार से बात करनी है, अगर यहाँ पे बात करनी है यू कैन गो ओके, मेरे पास कोई फालतू का मैं तुम्हारे को कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, अगर आपके जो राइट्स है मेरी बात सुन लो, आपके जो राइट्स है आप जा सकते हो वहाँ पे ठीक है ना, उस लड़के के साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई बात ठीक है ना, उससे जाके पूछ लो, उसने कमेंट गंदा किया था और बात है ठीक है ना, उसके बाद अभी ये चीज मत करो आप यहाँ दुकान पे आके ये हल्ला हल्ला नहीं मुझे चाहिए, हल्ला नहीं ठीक है ना, किसी को आपको बता दिया हरासमेंट करने के बारे में बोल रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो बात होगी होगी, मेरी वीडियो बन रही है पता मेरे को, अरे सर मेरी एक बात सुनो, जो आपने ये लाइन आप जा सकते हैं, अभी मेरे दुकान पे दुकान का टाइम है, वन थिंग एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन जो आप फोन पर क्वेश्चन आपने जहाँ से लेने हैं मेरी बात सुनो, जहाँ से आपने आंसर लेना है वहाँ पुलिस स्टेशन है, मेरी बात सुनो पुलिस स्टेशन आपसे लेंगे, पुलिस स्टेशन जाओ ना वहाँ पे आप कंप्लेंट करवा दो फिर वहाँ से आंसर, ये हरासमेंट वाली बात जो आप वी हैव रिकॉर्डिंग। फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को वीडियो तो बता दी है, और गाइस इसके मैंने मतलब वीडियो के बीच बीच से पॉइंट उठाए हैं, तो इस बंदे ने बोला है कि वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप लोग देख लेना दोबारा से, इस बंदे ने बोला कि मैं किसी की वीडियो ऐसे उठा के मतलब पोस्ट कर सकता हूँ, तो गाइस यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या मतलब कब हुआ ऐसा रूल लागू, और मेरी वीडियो डाल के वो मतलब फेसबुक में अपलोड कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं डाल सकता हूँ, उसके पास राइट है वो बोल रहा है, सो गाइस इस बारे में मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करो यार ब्रो, अगर मैं गलत हूँ ना तो भी कमेंट्स करो, अगर वो बंदा गलत है कमेंट्स करो यार। दूसरी बात, उस बंदे ने बोला कि बोला कमरे में तो स्टंट होते नहीं है, तो ब्रो यार तेरे को कौन करता है कमरे में स्टंट, कमरे में करता है कोई स्टंट, हर सीमेंटेड रोड जो होते हैं ये पब्लिक प्लेस नहीं होते ब्रो, किसी के घर तक भी सीमेंटेड रोड बना होता है, इतना याद रखना ठीक है। और इस बंदे ने एक बात बोली वीडियो के अंदर, बोला कम उम्र के लड़के 20-25-30 के कम उम्र के लड़के होते हैं, चल ठीक है मैं मान लिया, तो स्टंट कौन करेगा, बुड्ढे करेंगे 30 साल से ऊपर वाले करेंगे स्टंट, कौन करेंगे स्टंट मेरे को बताना तू। बाकी इस बंदे ने सिर्फ मतलब यार ब्रो मुझे टारगेट किया, सिर्फ मुझे ही, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या दुश्मनी है मेरे से, मेरी वीडियो डाल रहा है, अगर ये बंदा बोलता है ना कि मेरा राइट बनता है कि मैं यूट्यूब से तेरी वीडियो डालूं, तो गाइस यार मेरा तो राइट बनता है कि मैं इस बंदे की वीडियो डालूं यूट्यूब पे, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं कि ये बंदा मेरे साथ मतलब ऐसे ही बेफालतू के पंगे ले रहा है यार, तो यार क्या बोलना ऐसे ऐसे बंदों को। और इस बंदे ने बीच में एक बात बोली है, इस बंदे ने बोला था कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूं ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर हूं, तो यार ये बंदा बोल रहा है कि मेरी दुकान पे आके शोर शराबा मत करो, कस्टमर भी आते हैं ठीक है, इस बंदे ने एक बात बोली है बीच में, तो भाई यार तू क्या हार्डवेयर की दुकान चलाता है या कि तू क्या है कि तू
वो है न्यूज रिपोर्टर है, मुझे तेरा समझ नहीं आया ये सीन। दिन दिन भर तू दुकान में बैठ रहा है, तो तू क्या है क्या, तू मेरे को बताना, तू न्यूज रिपोर्टर है तो जगह जगह जा, वीडियो खुद बना और अपना मतलब न्यूज चैनल बना, उसमें डाल ब्रो, ऐसे किसी की कॉपी करके मत डाल ब्रो। यार आप लोगों ने देखा ही, बंदे ने कितने रोब से बोला, इतना उसको मतलब कन्वेंस किया मेरे ब्रदर और सिस्टर ने, इतना मतलब प्यार से समझाया उसको कि आप वीडियो मतलब वीडियो डिलीट करने का भी नहीं बोला यार उन्होंने, उन्होंने बस यही बोला कि आपने गलत डाला है, और उस बंदे ने सीधे डायरेक्टर इतने रोब के साथ बोला कि वीडियो डिलीट नहीं होगी। तो यार क्या बोल सकते हैं ऐसे ऐसे बंदों को यार ब्रो। सो गाइस यार कमेंट्स करो, मैं गलत हूँ ना तो भी कमेंट्स करो, और ये बंदा तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ गलत है यार, ये दिख रहा है यार साफ दिख रहा है, ऐसे मतलब मुझे बदनाम कर रहा है यार ब्रो, बदनाम तो क्या करेगा मुझे, बट चलो इस बंदे को मैं बता देता हूँ ब्रो, अगर तू बोलता है ना कि स्टंट गलत है, ये देख मेरे स्टंट की मेहनत देखनी तूने, ये देख ये मेरे यूट्यूब के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हर यूट्यूबर के पास होते हैं ब्रो, बट मैंने इतने संभाल के रखे ने, मतलब संभाल के रखे ना इतने। तू बोलेगा ना कि यूट्यूब में मैं गलत कंटेंट डाल रहा हूँ, ये देख ले ये सारे मेरे सर्टिफिकेट है यूट्यूब के, ठीक है, जितने भी आज तक मुझे मिले हैं मैंने इतने प्यार से रखे हुए हैं ना ब्रो, ये सारी मेरी मेहनत है यार ये, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेरे पास राइट है ही ना, तो ही मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियो डालूँ तो यूट्यूब खुद बैन कर देता है ब्रो, ये बात याद रखना, यूट्यूब खुद बैन कर देगा मेरी वीडियो की, नहीं तू गलत है और तू गलत काम कर रहा है। अगर मैं गलत होता ना ब्रो तो आज ये नहीं होते मेरे पास, ये सर्टिफिकेट नहीं होते, मुझे पता है ये सर्टिफिकेट मतलब हर बंदे के पास होंगे, हर यूट्यूबर के पास होंगे ब्रो, तो मतलब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। और ब्रो यार तू मेरे को टॉर्चर कर रहा है ना, कोई सीन नहीं यार, तेरी मतलब मुझसे कोई भी दुश्मनी है ना, कोई सीन नहीं है ब्रो, तेरे लिए भी कोई नफरत नहीं, क्या मिलेगा यार ब्रो तेरे को, तू मेरे को बताना, टीआरपी के लिए कर रहे तू, 2-3 लाइक्स जा रही तेरे को, तू मेरे को सिखा रहा है कि ये गलत है वो गलत है, मैं स्टंट करता हूँ ब्रो, हेलमेट लगा के ही करता हूँ ठीक है, और मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में कितने सारे बंदे, हिमाचल में ही देख ले तू कितने बंदे हैं, कितने बंदे स्टंट कर रहे हैं, दिमाग नहीं तेरे को, तू खुद बनाना जाके, या मैं पब्लिक में कर रहा हूँ ठीक है, मेन स्क्वायर में कर रहा हूँ ना मैं, तो तू कैमरा लेके आ जा कहीं से बना ले मेरी वीडियो, वो गलत है मैं मानता हूँ वो गलत है, तू रूल्स पढ़ पहले, रूल्स में भी ये लिखा है सार्वजनिक स्थलों पे स्टंट करना अवैध है ठीक है, किसी खाली रोड में स्टंट करना लीगल है ब्रो, मुझे नहीं पता है कि तेरी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, कोई सीन नहीं यार ब्रो, कोई दुश्मनी है तो बताओ ना भाई आप, मैं तो किसी कुछ बोलता नहीं हूँ, अपने मज़े में वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, आज आप लोगों को पता ही है यार मेरा, मैं ऐसे बेफालतू के पंगे लेता नहीं किसी से, बट ये बंदा यार ऐसे बेफालतू के पंगे ले रहा है मेरे से, मिलेगा ना ब्रो तेरे को कुछ तो बता देना मेरे को ठीक है, कि तूने मेरे से पंगे लेके और मेरी वीडियो अपलोड करके कुछ मिला है तेरे को ठीक है, तो बता देना ठीक है यार, कोई सीन नहीं है, ऐसे ऐसे बंदे आते रहते लाइफ में, आपके टैलेंट को दबाते हैं यार ऐसे ऐसे बंदे ठीक है, वो मेरी वीडियो डाल सकता है ना तो मैं उसकी वीडियो भी डाल सकता हूँ भाई, उसको राइट है तो मेरे को भी राइट है, तो गाइस यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसे किसी की वीडियो डाल सकते हैं यार, इंस्टा की रील्स एंड यूट्यूब की वीडियो कोई डाल सकता है ऐसे, मुझे तो नहीं लगता यार डाल सकता है, और अगर आप लोगों को लगता है या कुछ मतलब है ऐसा सीन तो मेरे को बताओ यार ब्रो, मुझे तो पता नहीं इस बारे में, और गाइस करते हैं यार इस वाली वीडियो का एंड, तो जिस बंदे ने मुझे इतना हेट दिया ना उसके लिए भी कोई नफरत नहीं ब्रो, तेरे लिए भी कोई नफरत नहीं है, बट ये है कि तूने गलत किया तो बुरा लगा यार, बाकी इतने प्यार से समझाया मैंने, और इतने बंदों ने प्यार से नहीं मानना ब्रो, तेरे से कोई नफरत नहीं ब्रो, हमने कोई नफरत नहीं रखी है, हम अपने मज़े में रहते हैं, इतना याद रखना, इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना यार कि मैं गलत हूँ कि वो बंदा गलत है। सो गाइस इतने दिन से परेशान हूँ यार, ये बंदा मेरे को मतलब पीछे पड़ गया है, मैं ही दिख रहा हूँ इसको, मेरे को ही टारगेट कर रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है यार इस बंदे का। सो गाइस यार आज की वीडियो में ये सब भी था, और बाकी मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।